ये मॉब लिंचिंग कराया जाता है, होता नहीं है, ये प्रायोजित होता है। 8 बजा थाली बजा दूंगा, ढोलक बजा दूंगा, मोमबत्ती जला दूंगा, नोट बदल दूंगा, ऐसे कानून नहीं होता। मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि मुसलमान खामोश हो जाओ, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अभी ये कुछ नहीं होने वाला। UCC तभी लागू हो सकता है जब 371 खत्म होगा, और 371 खत्म होना ना चना चबाना है। मैं कानूनविद आदमी हूँ, कानून का रक्षक हूँ, कानून के लिए काम करता हूँ, कानून संविधान से चलता है। आप गुलाम हो जाओगे, अभी मानसिक गुलाम हो और पूरी तरह से गुलाम हो जाओगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर एक फिर से प्रदर्शन चल रहा है, विशाल प्रदर्शन जो कि मॉब लिंचिंग को लेकर किया जा रहा है। यहां पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कहना है इनका, किन मांगों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग जो सब्जेक्ट है वो जना क्रोस का एक हिस्सा है। जब पब्लिक को ज़्यादा गुस्सा आता है और जब व्यवस्था, जब कानून चरमरा जाती है, जहाँ कानून काम ढंग से नहीं करती है, जब उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो जनता गुस्से में आकर करके वो जो है विस्फोटक रूप ले लेती है और वो लड़ाई होती है, और उसको सत्ता पक्ष और उसको प्रशासन वो जात पात का रंग दे देता है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई का रंग दे देता है, ये ठीक नहीं है। मॉब लिंचिंग एक जनाक्रोस का हिस्सा है, जिसको कानून के जरिए, कानून की तरीके से उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन कर करके उसको समाधान निकाल करके ख़त्म करना चाहिए। तो ये हमारी मॉब लिंचिंग का हिस्सा है, लेकिन उसको बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं कि वो हिंदू का है, मुसलमान का है, आदिवासी का है, और जो दलित का है, शोषित का है। तो ये जो अलग अलग तरीके से आप बांट कर करके समाज को बांटने की बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो मॉब लिंचिंग समाज तो बंद हो सकता है। सीधे तौर पर लिखा है वहाँ पर दलित और मुसलमान। देखिए, जो लोगों ने लिखा, जो ने कहा, मैं उनके से समर्थन नहीं हूँ। मैं मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लोगों ने यहाँ आवाज उठाई है मॉब लिंचिंग का, कौन क्या कह रहे हैं, जो कौन बैनर ले रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कानूनविद आदमी हूँ, कानून का रक्षक हूँ, कानून के लिए काम करता हूँ, कानून संविधान से चलता है, और संविधान का तरीका है कि अगर हम सुशासन देंगे, हम कुशासन से दूर होंगे, तो मॉब लिंचिंग नहीं होगा। मॉब लिंचिंग इसीलिए होता है कि हम सुशासन नहीं दे रहे, हम जो है भेदभाव कर रहे, हम जो है एक पक्ष को, दूसरे पक्ष को, एक समुदाय दूसरे पक्ष को लड़ाने में मजा ले रहे हैं कि लड़ो, किसी तरह से लड़ो। बहुत सारे कानून ऐसे लाया जाता है कि हम तुम्हारे लिए नहीं, हम उसके लिए ला रहे हैं, हम उसके लिए ला रहे हैं। तो इस तरह से समुदाय समुदाय को लड़ा करके उनको प्रोवोक किया जाता है कि वो सड़कों पे आए और लड़े। यही मॉब लिंचिंग जो सरकार द्वारा प्रायोजित होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोग मिल करके समानता के साथ, एक कानून, एक संविधान के साथ रहे, तो हमारा देश शांत होगा और विश्व विख्यात होगा और हम गुरु बने। मतलब आप UCC का सपोर्ट करते हैं, एक कानून के साथ सब लोग मिलकर रहे। पहली बात तो UCC का जो है वो यूनिवर्सल सिविल कोड है, पहले समझिए। अभी वो बात आई है, उस पे कोई ड्राफ्ट नहीं बना, उस पे अभी लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और इस पे बहस होनी है, तो ये अभी तो बहुत दूर की कहानी है। पहले इससे पहले समझना होगा कि 75 साल 370 हटाने में लगा, पाकिस्तान हटाने की बात, वो भी ड्राफ्ट नहीं हुआ, उसका भी कानून अभी नहीं बना, वहाँ भी चुनाव अभी नहीं हो रहा, 3 राज्य बना दिए गए, लद्दाख, श्रीनगर और जम्मू बना दिया गया, ठीक है, लेकिन उस पर भी अभी कानूनन तरीके से नहीं हुआ। वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आगे क्या होगा अभी नहीं कह सकते। अब आप कह रहे हैं UCC, तो UCC जो है उसमें एक बहुत बड़ा जो आड़ है, जो अड़चन है, वो है 371 एक्ट। 371 एक्ट ABCDE क्या कहता मालूम है? हमारे भारत के अंदर 8 राज्यों में 13 करोड़ आदिवासी रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पीन सब अलग है, एक हो गया। सिखों 3 करोड़ हमारे भारत में सिख रहते हैं, उनका भी सिस्टम अलग है। हमारे जो है जो क्रिश्चियन है वो 3 करोड़ है, उनका सिस्टम अलग है। 20 करोड़ मुसलमान है, वो कहते हैं सरिया ये सब है। तो इन तमाम चीजों को अगर UCC तभी लागू हो सकता है जब 371 खत्म होगा, और 371 खत्म होना ना
चना चबाना है, इनको पूरी जिंदगी लग जाएगा। जब 375 साल लग गया तो 371 आप सोचते हैं कि आप दाल भात का कोर है खत्म कर देंगे? कहना कर दूंगा, 8 बजा थाली बजा दूंगा, ढोलक बजा दूंगा, मोमबत्ती जला दूंगा, नोट बदल दूंगा। ऐसे कानून नहीं होता। कानून जो है, कानून का एक प्रक्रिया है, संविधान का एक प्रक्रिया है, उसके लिए लोकसभा है, उसके लिए विधानसभा है, उसके लिए राज्यसभा है, उसके लिए राष्ट्रपति है, उसके लिए कानून का जो है सेक्टर है और सुप्रीम कोर्ट है। इन तमाम लोगों की रजामंदी से अभी तो सिर्फ बातें की जा रही है। क्या चाहते हैं उनसे मांगा जा रहा है और इस पे बौखलाहट हो रही है। लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। किसी को, मैं मुसलमान को कहना चाहता हूँ कि मुसलमान खामोश हो जाओ, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अभी ये कुछ नहीं होने वाला। तो आप क्या लोग लड़ाना चाहते हैं? लड़ेगा तो समुदाय दिखेगा, ये इधर है, ये इधर है, इधर है, और मैं रोटी सेकूंगा, मुझे 30% मिल जाएगा, 2% का ध्रुवीकरण हो जाएगा, मुझे इतना वोट मिल जाएगा और मैं राज करूंगा। तो 30-32% का गेम है। 70% को बेवकूफ बनाने की ये जो सियासत में बैठे हुए लोग हैं, जो कुर्सी में बैठे लोग हैं, 70% को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कहते हैं कि मैं बहुजन हूं, 85% हो, तो 85% 27% के लिए क्यों लड़े? अरे मांगो ना कि मेरा 50% है, 85% मेरा हिस्सा चाहिए, 85% मुझे आरक्षण चाहिए। अरे 27%, अरे तो तुम ही तो गलती कर रहे हो भाई। आप जो है नेता नहीं बनाओगे, आप IAS नहीं करोगे, IPS नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनोगे तो करोगे क्या? भाई रोड पे झाड़ू मारो, वाल्मीकि रहो, क्यों नहीं वो आ रहे हैं? बात पढ़ो, पढ़ाओ, अपने को नहीं पढ़ाओगे, हम खाली धरना प्रदर्शन करेंगे, 500 रुपया में बिकेंगे। तो जो चतुर चलाक लोग हैं, जो लोमड़ी है, जिसको आप स्वर्ण कर रहे हैं, जिसको ब्राह्मण बात कर रहे हैं, वो आप फायदा उठाएगा। और आने वाले वक्त में अगर आप ये बहुजन, अगर ये सारे मुसलमान और जो लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अगर एका नहीं दिखाया, अगर एक साथ नहीं हुए, तो फिर से मैं कहता हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, फिर BJP सरकार आ जाएगी और आप देखते रहोगे। जरा सा तेल लगा के रहो, उस पर डंडे बरसेंगे, आप गुलाम हो जाओगे। अभी मानसिक गुलाम हो और पूरी तरह से गुलाम हो जाओ, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये मॉब लिंचिंग कराया जाता है, होता नहीं है, ये प्रायोजित होता है। जिस तरह से हमारे भारत के अंदर नेक्स्ट लाइट कुछ नहीं होता, उनके पास AK-47 राइफल कहाँ से आता है? जिनके पैर में चप्पल नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, और उनके पास AK-47 राइफल आता है, वो नेता लोग देते हैं। तो मॉब लिंचिंग नेता लोग असामाजिक तत्वों को घुसा करके, गुंडे बदमाशों को पैसा देकर करके ये हंगामा किया जाता और वही रूप ले लेता है दंगा का। और उसमें हमारे सभी समुदाय के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे हिंदी बोलता हो अंग्रेजी, वो सब के सब उसके जो है प्रताड़ित होते हैं और वहां मरते हैं। और रोटी कौन सेक रहा है? सत्ता पक्ष झेल रही है, रोटी जो है सत्ता पक्ष सेकती है। तो इससे हमें बचना होगा। हमारे नौजवानों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे महिलाओं को जागृत होकर करके, एका बना कर करके, इन जो चतुर चलाक जो लोमड़ी है, ये जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, ये जो हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं, हमारे को लड़ाना चाहते हैं, उनको चिन्हित कर करके इनको हराना होगा, इनको भगाना होगा, और तब ये भागेंगे, तब हमारा सामाजिक सौहार्द होगा। साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे इनका कहना है कि मॉब लिंचिंग जो है वो जनता नहीं करती। जब जनता की मांगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जनता जिन चीजों की जरूरत है वो जब ना मिल पाने के बाद जो आक्रोश भड़कता है वो मॉब लिंचिंग का रूप ले लेता है। और इसमें जो रोटियां सेकी जाती है वो राजनीति की रोटियां सेकी जाती है और नेताओं का फायदा होता है, सत्ता पक्ष का फायदा होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज। कैमरामैन बॉबी के साथ ड्यूटी गिरी, दिल्ली।